हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आडीबी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। माय नेम इज़ अनामिका एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट 5 इन टैली प्राइम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी असाइनमेंट 4 के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम असाइनमेंट 5 स्टार्ट करते हैं। दिया है क्वेश्चन में, मनोज 12,50,000 रुपया से मोबाइल के सामान की एक कंपनी फलाना मोबाइल शॉप के नाम से खोली है। एक पर्सन है मनोज जिसने एक कंपनी अपनी खोली है, किस नाम से? फलाना मोबाइल शॉप से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके लिए F3 हम टाइप करेंगे और हम जाएंगे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में। अब हम लिखेंगे फलाना मोबाइल शॉप, ये हमारी कंपनी का नेम है। क्लियर? एड्रेस हम मेजा नैनी एनीथिंग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। स्टेट हमारा UP है और फिर इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे, GST नंबर हमें डायल करना पड़ेगा। देन ये मंथली का ऑप्शन रहेगा, फिर इसे हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो अब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। क्लियर? अब हम बनाएंगे लेजर, बना लेंगे कुछ, जैसे कि कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में रहेगा, है ना। देन हम बना लेंगे परचेज अकाउंट में रहेगा। देन हम बना लेंगे सेल्स हमारा सेल्स अकाउंट में रहेगा। देन CGST और SGST के अकाउंट में हम वन बाय वन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा ये GST का ऑप्शन, सेंट्रल है तो सेंट्रल रहेगा, देन SGST। क्लियर? तो अब हमारे कुछ 5 अकाउंट्स बन चुके हैं जो इजीली रहता है चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। चलिए हम वाउचर्स पे आके पहले कैपिटल रिसिप्ट कर देते हैं। F6 से कैपिटल रिसिप्ट हम करेंगे, ये हमारा कैश में रहेगा। कैपिटल कितना पैसा हमने लगाया है? 12,50,000। क्लियर? 12,50,000 हमने कैपिटल लगा दिया है। अब है फर्स्ट एंट्री हमारी है, ऋषि एंटरप्राइजेस कंपनी से निर्मित सामान नगद मिली है। तो पहले तो क्या है कि हमारा इस पर्सन से, मतलब इस इंटरप्राइजेस से जो है हमने सामान परचेज किया है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे उधार की तो बात ही नहीं है, तो अब हम पहले वाउचर्स पे ना आके क्रिएट पे आके पहले आइटम्स को बना लेंगे, है ना। हमारे तो न्यू आइटम्स, न्यू कंपनी तो न्यू आइटम्स है, ये हमारा पीसेस में हो जाएगा। क्लियर? देन स्टॉक आइटम इंटेक्स माउस सब में हम GST लगाएंगे, यस। ऑन वैल्यू टैक्सेबल देन 18%। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा CPU कैबिनेट पीसेस, देन यस टैक्सेबल देन 18%। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज WD हार्ड डिस्क, यस टैक्सेबल देन 18%, देन विल सेव इट। नेक्स्ट वन इज डेल की बोर्ड पीसेस
यस टैक्सेबल देन 18%। लास्ट वन इज वेबकैम। सारे आइटम्स हमने क्या किए हैं, परचेज किए हैं, है ना। तो इसे हम जाके क्या कर देंगे, परचेज कर देंगे वाउचर्स पे। तो अब हमारे आइटम्स क्रिएट हो चुके हैं, सो लेट्स विल कम टू वाउचर्स देन परचेज। इधर सप्लाई इनवॉइस नंबर कुछ भी एंटर करना है, पार्टी अकाउंट नेम कैश, पार्टी डिटेल्स में हमारा रहेगा ऋषि एंटरप्राइजेस, वे विल राइट है ऋषि एंटरप्राइजेस, क्लियर। इट विल बी रेगुलर देन परचेज, वन बाय वन आइटम विल मेंशन, इंटेक्स माउस 10 पीसेस आ दे, देन अमाउंट इज 150, क्लियर। नेक्स्ट आइटम इज सीपीयू कैबिनेट, आइटम इज पीसेस आ अमाउंट 350। नेक्स्ट आइटम इज WT हार्ड डिस्क, पीसेस आर देयर 5 एंड अमाउंट इज 4200। द नेक्स्ट आइटम इज डेल कीबोर्ड, देन 5 पीसेस आर देयर, अमाउंट इज 600। नेक्स्ट आइटम इज वेबकैम, सो इट्स अ लास्ट आइटम, 2 पीसेस आर देयर एंड 150, क्लियर। सो एट द लास्ट एंड ऑफ लिस्ट में CGST लग जाएगा, देन SGST विल पुट। सो टोटल अमाउंट हमारी कितनी आई, 32,509 रुपीज़ हमारी टोटल वैल्यू आ चुकी है, क्लियर। सो लेट्स डू द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री हमारी क्या कहती है, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निविद सामान उधार में लिए हैं। तो हमने क्या किए, आइटम्स उधार पे लिए हैं, तो पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा लेजर, किस नाम से, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर। देन सनड्राई क्रेडिटर्स, देन वी विल सेव दिस वन लेजर। एस्केप के ऑप्शन से हम पीछे आएंगे, आइटम्स हम देख लेते, हमारे सारे न्यू आइटम्स है, सो विल क्रिएट द आइटम्स फर्स्ट, SMPS पावर किट, SMPS पावर किट, पीसेस एप्लीकेबल यस, टैक्सेबल 18%, एंड विल सेव इट। नेक्स्ट इज ज़ेब्रोनिक्स, ज़ेब्रोनिक्स मदरबोर्ड पीसेस यस 18%। नेक्स्ट इज इंटेल प्रोसेसर 13, प्रोसेसर 13 पीसेस यस टैक्सेबल देन 18%। सेकेंड लास्ट ऑप्शन इज इंटेल प्रोसेसर 15 पीसेस यस देन 18%। द लास्ट ऑप्शन इज सोनी हेडफोन। सो ये सारे आइटम्स हमने क्या किए हैं, देन 18%। सो वी हैव क्रिएटेड आर आइटम्स, वेलकम टू द वाउचर्स, एंड उधार में हमने सामान परचेज किया है, क्लियर। यहाँ पे कुछ भी हम मेंशन कर देंगे, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कौन है, सप्लायर है, परचेज, देन वन बाय वन आइटम्स को मेंशन करना है, 10 पीसेस आर देयर, रेट 800। नेक्स्ट आइटम इज ज़ेब्रोनिक्स, 3 पीसेस आर देयर, अमाउंट इज 5600। नेक्स्ट आइटम इज इंटेल
देन 7500. द नेक्स्ट वन इज इंटेल प्रोसेसर 15. फाइव पीसेस आर देयर. देन अमाउंट इज 12500. क्लियर. द लास्ट ऑप्शन इज सोनी हेडफोन. टू आइटम्स आर देयर एंड द अमाउंट इज 1200. सो एट द एंड ऑफ लिस्ट सी जी एस टी विल पुट एंड एस जी एस टी. सो 9423 इज योर सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एंड विल एंटर लाइक दिस and total amount is 1,23,546 rupees. So it's a purchase amount. So next we'll see question number 1. Fulana mobile shop ke paas kitna nagdi ke roop mein paisa bacha hai. How much amount is left cash amount. So we'll come to display option, then accounts book, then cash. 12,17,491 rupees बचे हैं. परचेज अमाउंट बताना है. परचेज है दो किया है. एक है 32,509 rupees एंड सेकेंड वन इज 1,23,546 rupees एंड टोटल इज 1,56,055. क्लियर. सो विल कम टू द नेक्स्ट एंट्री. पेड वेजेस आर रिटन. पेड वेजेस विल कम टू द गेटवे ऑफ टैली एंड फर्स्ट विल क्रिएट अ वन लेजर क्रिएट करेंगे वेजेस. और वेजेस हमारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. क्लियर. हमारे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. देन इसे हम क्या कर देंगे? वाउचर्स पे आएंगे और पेमेंट करनी F5 से. यहाँ पे कैश रहेगा, यहाँ पे रहेगा वेजेस. क्लियर. एंड अमाउंट इज 8,000 rupees. 8,000. क्लियर. नेक्स्ट एंट्री इज पेड ऑक्ट्रॉय चार्जेस. ऑक्ट्रॉय चार्जेस ऑल्सो वी विल क्रिएट अ लेजर ऑफ ऑक्ट्रॉय चार्जेस. क्लियर. इट्स ऑल्सो आर डायरेक्ट एक्सपेंस. देन वी विल सेव लाइक दिस. देन विल कम टू द वाउचर्स. पेमेंट करनी है कैश के फॉर्म में. कॉस्ट यहाँ पे कोई चीज़ और मेंशन नहीं है किसी और मोड से. तो ऑक्ट्रॉय चार्जेस हम भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और अमाउंट कितनी है 800. क्लियर. सो विल सेव लाइक दिस. देन विल स्केप एंड देन नेक्स्ट एंट्रीज परचेज कंप्यूटर एंड प्रिंटर. We'll create an account, computer and printer. It's also a fixed assets. Clear. Long lasting ke liye hote, that's why it's our fixed assets. Clear. Then we'll come to the vouchers. We'll pay the amount. Payment karna hai. कैश के फॉर्म में. कॉस्ट अनदर मोड यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है. कंप्यूटर प्रिंटर अमाउंट इज 15,000. क्लियर. सो ये भी हमारी तीन एंट्रीज हो चुकी हैं पेमेंट की. नेक्स्ट विल सी नगद में सामान बेच दिया है हमने. वाउचर्स पे आएंगे हम डायरेक्ट. कॉस्ट यहाँ पे हमें सेल करना है. एफर्ट्स से सेल्स पे आएंगे. कैश के फॉर्म में है ना. रेगुलर पे पार्टी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन नहीं है. सेल्स रहेगा और हमारा अमाउंट आइटम्स भी पुराना है. तो इंटेल 15 क्वांटिटी इज 1 एंड अमाउंट इज 15,000. क्लियर. एंड ऑफ लिस्ट सी जी एस टी एंड एस जी एस टी. सो टोटल अमाउंट इज 17,700 rupees. क्लियर. नेक्स्ट एंट्री इज केशव दास को धर्म सामान बेच दिया.
बेच दिया है और उधार में, देन विल क्रिएट अ अकाउंट ऑफ केशव दास सनराय डेबिटर्स, देन विल सेव लाइक दिस अकाउंट हमने बना दिया है, विल कम टू डू वाउचर्स, सेल्स करना है पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे हमारा क्या है केशव दास है क्योंकि उधार पे सामान हम सेल कर रहे हैं, क्लियर। आइटम इज सोनी हेडफोन, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस आइटम सो विल नॉट हैव टू क्रिएट, ओनली वन क्वांटिटी इज देयर, देन रेट इज 1950 यानी कि 1950 रुपीज़, क्लियर। एंड ऑफ लिस्ट सी जी एस टी, देन एंड ऑफ लिस्ट एस जी एस टी, 2301 इज आर टोटल सेल्स अमाउंट, देन वी विल सेव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कितना पैसा बचा है, विल कम टू दी डिस्प्ले, देन अकाउंट्स बुक देन कैश, 12,11,391 रुपीस इज लेफ्ट, सेल अमाउंट वी हैव टू टेल सेल रजिस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेल अमाउंट हमें बताना है, तो सेल हमारे दो हो चुके हैं, वन इज 17,700, द नेक्स्ट वन इज केशव दास का उधार पे जो था 2301, टोटल इज 20,001 रुपीस, क्लियर। नेक्स्ट इज पप्पू को उधार में सामान बेच दिया है, देन विल कम टू क्रिएट लेजर, पप्पू सनराय डेबिटर्स में रहेगा, उधार में हमने सामान बेच दिया है, क्लियर। देन विल कम टू डू वाउचर्स, वाउचर्स में आएंगे हमने सेल कर दिया है पार्टी अकाउंट, यहाँ पे कौन है पप्पू है ना, उधार में हम सेल कर रहे हैं, सेल्स रहेगा, और आइटम इज ऑल्सो ओल्ड आइटम पावर किट, अमाउंट इज 1200 रुपीस ओनली, देन सी जी एस टी एंड देन एस जी एस टी, क्लियर। द टोटल अमाउंट इज 1416 यानी कि 1416 रुपीस, सो वी विल सेव लाइक दिस, सो दिस एंट्री इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट एंट्री इज पेड कन्वेंस चार्जेस, फर्स्ट विल गो टू क्रिएट एंड विल क्रिएट एन अकाउंट ऑफ कन्वेंस चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन वी विल सेव लाइक दिस, देन विल कम टू डी वाउचर्स, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, नेक्स्ट एंट्री है ओपन अ बैंक अकाउंट विथ 5 लाख इन HDFC बैंक, तो बैंक अकाउंट हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है, और बैंक में हमारे पैसे आ रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे क्रिएट पे आएंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HDFC बैंक, ये हमारा बैंक में रहेगा और इसे हम जो है सेव कर देंगे, फिर एस्केप के ऑप्शन से हम बैक आएंगे और डायरेक्टली वाउचर्स पे आएंगे, वाउचर्स पे आने के बाद हम F4 से कॉन्ट्रा एंट्री में आ जाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे बैंक HDFC बैंक और यहाँ पे हमारा रहेगा कैश, अमाउंट कितना है 5 लाख, फाइव लाख अमाउंट एंटर हो चुका है यानी कि हमारे बैंक में 5 लाख रुपए आ चुके हैं, और इस तरीके से जो है सेव कर देंगे, यहाँ पे डिनोमिनेशंस होते हैं, डिनोमिनेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग इसको एंटर कर लेंगे और फिर इसे हम सेव कर देंगे, तो अब हमारी ये एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या कहती है,
फिर हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट असाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लिखा है पेड अमाउंट 300 ऑफ बैंक चार्जेस। क्रिएट पे आएंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे, किसे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, फिर इसे जो है हम सेव कर देंगे। फिर एस्केप के ऑप्शन से हम बैक आएंगे वाउचर्स पे, यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे हमारा कैश मोड रहेगा और ये बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का अमाउंट हमारा कितना है 300। तो अब हमारी ये एंट्री भी अब सेव हो चुकी है। चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। सो वी हैव डन दिस एंट्री ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज पंकज मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से सामान उधार में हमने लिया है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट पे आएंगे पंकज, सॉरी यस पंकज मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पंकज मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर। ये हमारा रहेगा सनड्राई क्रिएटर्स, देन वी विल सेव दिस लेजर। नेक्स्ट वन इज विल क्रिएट स्टॉक आइटम्स कॉज दीज आर द न्यू आइटम्स फॉर अस, इंटेक्स यूपीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेक्स यूपीएस क्रिएट करेंगे हम, इट विल कम यस ऑन वैल्यू टैक्सेबल देन 18%। नेक्स्ट इज एसर कीबोर्ड, पीसेस यस 18%। नेक्स्ट इज एसर वेलिटॉन डेस्कटॉप, एसर डेस्कटॉप पीसेस ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%। नेक्स्ट वन इज इंटेक्स ऑप्टिकल माउस, इंटेक्स ऑप्टिकल माउस, क्लियर यस पीसेस वाई टैक्सेबल 18%, क्लियर। नेक्स्ट वन इज एसर वायर माउस, एसर वायर माउस पीसेस यस एसर, then we'll save like this. Next one is TVS keyboard, pieces yes wait yes on value it will be on taxable then 18%, then we'll save like this. Next is laptop keyboard, laptop keyboard pieces yes taxable then 18%, clear. Next is Dell monitor, Dell monitor then yeah पीसेस में रहेगा देन यस ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, क्लियर। नेक्स्ट वन इज एप्सॉन एम प्रिंटर देन पीसेस यस टैक्सेबल 18%, क्लियर। Then we'll come to the vouchers. We'll have to सामान उधार में लिया है ना, we'll purchase, party account is name is Pankaj Mobile and Electronics,
purchase one by one in text UPS. 5 pieces are there. Then rate is 700. Clear. Next is Acer keyboard. 3. Then 300. Next is Acer baritone. 2 pieces are there and amount is 42,000. 42,000. Clear. Next one is Intex optical mouse. Intex mouse. Wait. Intex optical mouse. 5 pieces are there and amount is 250 rupees. 250 rupees. Clear. Next one is TVS keyboard. TVS 4 and then 1700. Next one is laptop keyboard. Laptop keyboard 5 then 200. Then next, Dell monitor, 5, and the amount is 15,000. Next, and the last one is Epson, the quantity is 1, and the amount is 10,000. Clear. So, end of list, CGST. Then SGST. Clear. And total amount is, what is coming? 2,15,291 rupees. So we'll save this. Next, भविष्य में कितने पैसे देने हैं? Question is, भविष्य में कितने पैसे देने? Display में आएंगे. Then accounts book. Then we'll wait. We'll come to the statements of accounts. Outstanding, कितने देने हैं? Payable, 2 लोग को देने हैं और एक पंकज और एक संतोष को. Total कितना है? 3,38,837 rupees. Clear. कितने मिलने हैं receivables? 2 लोग को से मिलने हैं, केशव दास और पप्पू से. ये 2 लोग की अमाउंट है और टोटल है 3,717 rupees. Clear. Cash amount, we have to tell cash amount. We'll come to the display. Then this is your cash flow. Clear. And we'll come to the accounts book. Cash, how much is left? 17,791. Clear. Last assignment is 5.4. Received commission. We'll create first a ledger. Received commission ledger we have to create. We'll create a ledger. Received commission. Indirect income. Then we will save this ledger. Then we'll go to the voucher. Then we have to we'll come to the receipt option. We have receiving cash. Received commission. Clear. And the amount is 2,000 rupees. We'll save this option. Next is नगद में सामान बेच दिया है. We'll come to the vouchers only itself. We'll come to the sales. नगद में बेच दिया है. Cash will be there because no party name is written over there. So it will be
be there like this only. Gel monitor, one quantity, 22,000. Next one is Intex UPS. Amount is 1,300. Clear. Then CGST. And next one is SGST. And total amount is 27,494 rupees. Clear. Next is Mangal ko saman udhar mein bech diya. You have to create a account Mangal. Okay. Send by debitors. Then we'll save this ledger. We'll come to vouchers. Saman bech diya hai. Mangal. Then it will remain like this. Then Zebronix. One. Amount is 8,000. Clear. Next one is TVS keyboard. Amount is 2,200. Next one is Epson. Amount is 13,000. CGST. Then SGST. Next. So total amount is 27,376 rupees. Clear. So we'll save like this. Wait. So we have saved like. Next question says, अब तक का फलाना मोबाइल शॉप का कैश अमाउंट बताइए. So your cash amount is, will come to the display, then accounts, and amount is 17,030,285 rupees. This will be your see like this. Wait. So these are your cash items. Clear. How much we have done? Receipt, purchase, sales. All right. So we'll come to back. Sale amount we have to tell. Next question is, अब तक का sale amount. Sale register. These are your sale register. 5 entries are there. And these amounts are there. And total is 76,287 rupees. Next one, we have to purchase amount we have to tell. 3 purchases are there. These 3 are the purchases. And the total amount is 3,71,346 rupees. Clear. कितना पैसा भी आप मिलना है, कितना पैसा मिलना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मिलना है, रिसीवेबल्स ये 3 मिलने हैं हमको. क्लियर. और टोटल 31,093 रुपीज़. कितना पेबल है, कितना देना है पंकज और संतोष को, टोटल 3,38,837 रुपीज़. क्लियर. So we'll check first our trial balance. This is our trial balance. Clear. It's a matching. This is our cash flow amount. You can see here your cash flow. It's your funds flow. Clear. Your net loss is 250 rupees. We'll come to your profit and loss account. So this is your profit. Gross profit is 8,050 rupees. Clear. And your net loss is 250 rupees. All right. So this is your sales account, purchase accounts amount, your indirect expense. And this one is your balance sheet. So your balance sheet is equal. Your current liabilities are this. Capital, how much were your capital? 12,50,000. Clear. Fixed assets, itna humne purchase kiya. Then this is your
नेट लॉस कितना 250 रुपीज़। सो योर दिस वेट, ये आपकी असाइनमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे असाइनमेंट 6 के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।